इंट्रोडक्शन क्लास केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में जानना। केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट हैंड में केमिस्ट्री को हम दो पार्ट में बांटेंगे। केमिस्ट्री में कुछ पार्ट जो है न्यूमेरिकल पार्ट हैं, न्यूमेरिकल पार्ट, और कुछ पार्ट आपका थ्योरी पार्ट। फर्स्ट हैंड में केमिस्ट्री को हम दो पार्ट में बांटे हैं, कुछ पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट हैं और कुछ पार्ट थ्योरी पार्ट हैं। न्यूमेरिकल पार्ट की बात करें तो केमिस्ट्री में कई ऐसे टॉपिक थे जो न्यूमेरिकल टॉपिक थे, सारे को एक जगह इकट्ठा किया गया और एक ब्रांच दिया गया जिस ब्रांच के बारे में आप जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट है। थ्योरी पार्ट के बारे में बात करें, थ्योरी पार्ट में कई ब्रांच आए, कुछ सेक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ टॉपिक को रखा गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ आपका जनरल केमिस्ट्री होता है और लास्ट में आपका बायो केमिस्ट्री है। कहने का यह तो कि केमिस्ट्री रूपी फैमिली में टोटल सदस्य 5 होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जनरल और बायो केमिस्ट्री। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लार्जेस्ट ब्रांच है, जबकि जनरल और बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का शॉर्टेस्ट ब्रांच है, स्मॉलेस्ट ब्रांच है। कहने का यह तो जनरल केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो जनरल केमिस्ट्री फिजिकल का कुछ टॉपिक और कुछ टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका बार बार यूज होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वर्क करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच दिया जिसको कहा गया जनरल केमिस्ट्री, और सबसे शॉर्टेस्ट ब्रांच होता है बायोकेमिस्ट्री। कहा जाए केमिस्ट्री रूपी फैमिली में 5 सदस्य हैं। फिजिकल के बारे में बात करें, न्यूमेरिकल सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का, और फिजिकल केमिस्ट्री काफी क्लोज रिलेशन रखता है साइंस का जो ब्रांच है वो है फिजिक्स से, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री काफी क्लोज है। फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री का 20-30% यूज होता है। बहुत सारे टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का कॉमन है जो कि फिजिक्स में भी यूज होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में काम करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में, गैस स्टेट के बारे में। स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। तो लिक्विड स्टेट के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में डिटेल से स्टडी करना है, उसी का लार्ज ब्रांच है सॉल्यूशन, और लिक्विड स्टेट के बारे में फिजिक्स में भी काम करना है जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, रेडियो एक्टिविटी आता है जिसको डिटेल से स्टडी करते हैं। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है जो कि 12th का 30% पार्ट है, जिसमें आपका डिटेल से स्टडी करना है मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पढ़ना है तो यहां इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना। कहने का यह था कि बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जो है कॉमन है फिजिक्स में, इसलिए ये फिजिक्स को बैक साइड से सपोर्टिंग करने का काम करता है। प्रत्येक साल जो है 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स का फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से आसानी से सॉल्व करते हैं, जेई मेन हो या नीट हो या आईटी का क्वेश्चन मेन, आईटी क्वेश्चन। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री के बाद बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री काफी क्लोज रिलेशन रखता है बायोलॉजी से। लगभग 10-50% बायोलॉजी का पार्ट जो है वो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम डिटेल से स्टडी करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में, पॉलीमर के बारे में, और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ के बारे में। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ तो पूरी के पूरे ड्रग्स के बारे में उसमें स्टडी करना है, सॉप और डिटर्जेंट के बारे में स्टडी करना है, प्रिजर्वेटिव के बारे में स्टडी करना है। करें कि बायोकेमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स जिससे लाइफ का उत्पत्ति हुआ, वैसा केमिकल सब्सटेंस जिससे लाइफ का उत्पत्ति हुआ है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज नोन एज बायो मॉलिक्यूल्स।
और बायोमोलिकुल्स में डिटेल से स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होता है जेनेटिक्स, डीएनए और आरएनए, और डीएनए और आरएनए को बेहतर समझना है तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री आपको वर्क करना। नाइट्रोजिनस बेस होता है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल के बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बीच में बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी बातें केमिस्ट्री में वर्क करना, जिसका भरपूर यूज है बायोलॉजी में। इसका मतलब कि केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जो अपने आप को तो स्ट्रांग करता ही है, साथ ही साथ बैक साइड से फिजिक्स और बायोलॉजी पे भी इसका वर्चस्व है। चलिए उसी ब्रांच के बारे में डिटेल से स्टडी करना है, केमिस्ट्री के बारे में। अगर केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है तो जीरो मान के स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम वर्क करते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल फंडामेंटल मीन्स ही होता है जीरो लेवल क्लास। जीरो लेवल क्लास मतलब केमिस्ट्री कुछ नहीं जान रहे हैं, वहां से स्टडी करना। पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, हमारा सेंटर पटना में तीन जगह है, बिकना पहाड़ी, बाजार समिति और कंकड़बाग। 12 साल का यही एक्सपीरियंस बता रहा है कि 60-70% जो स्टूडेंट पटना में आते हैं वो केमिस्ट्री के बारे में यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि सर केमिस्ट्री में केवल हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का नाम सुने हैं सर, बाकी केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और वहां से सर स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब जीरो लेवल क्लास, कुछ नहीं जाने, वहां से काम करेंगे। इसी के लिए काम किए हैं, एक बुक लिखे हैं, ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। अगर किसी बंदे को केमिस्ट्री सीखना है, किसी स्टूडेंट को केमिस्ट्री सीखना है, तो पहला कदम क्या उठानी चाहिए? फर्स्ट स्टेप की बातें जो है केमिस्ट्री का, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री में वर्क किया गया। इसका मकसद यही है कि हमारे समाज में बहुत सारे नॉन इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईटी, मेडिकल, जेई मेन का प्रिपरेशन कराते हैं, और उसके लिए स्टूडेंट को 8वां क्लास से ही कंडक्ट करते हैं, 8 क्लास से वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके आईटी हो या मेडिकल हो या फिर जेई मेन में टॉप रैंक देते हैं। हमारे गरीब तबके का स्टूडेंट, कमजोर वर्ग का स्टूडेंट उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है। गांव में काम कर रहा है, अगर इसका ख्वाब भी है कि हम मेडिकल या इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, और पटना आने के बाद उसका बेस काफी कमजोर होता है, समझ में नहीं आता। इसी के लिए कुछ काम किए हैं हम, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करना चाहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। अगर जिस स्टूडेंट का मकसद है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करना, तो 8वां क्लास से उसको बताना पड़ेगा। अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करना है, जिस तरह से आप नवोदय और नेत्रहाट की तैयारी करते थे, तो 5वां और 6वां क्लास में टीचर आपको वर्क किया जाता था, स्पेशल बुक का काम किया जाता था, ठीक उसी तरह अगर केमिस्ट्री के बारे में काम करना है और आईटी और मेडिकल लेवल तक काम करना है, उसके लिए 8 क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा, और हमारी किताब आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, वो है ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। आपकी मदद से, हम अपने स्टूडेंट की मदद से हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, हर एक टीचर के पास पहुंचेंगे, और वो किताब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें 8, 9 और 10th की बातें दी हुई, जिसका कि हायर एजुकेशन में काफी जबरदस्त यूज है, 11th 12th में भरपूर इसका यूज है, उसके लिए काम करना है ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री, मतलब जीरो मान के स्टार्ट करना। चलिए जीरो मान के अगर स्टार्ट करते हैं, तो फंडामेंटल को हम 4 पार्ट में बांटेंगे। फंडामेंटल हमारा कंप्लीट केमिस्ट्री का समराइज है। कहने का यह अर्थ हुआ कि केमिस्ट्री का टेलर कहा जाए फंडामेंटल को। पूरी फिल्म तो आगे देखेंगे डिटेल में, लेकिन सारा समराइज पैकेज फंडामेंटल में है। हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ काम करेंगे, केमिस्ट्री का बेसिक काम करेंगे, और
विगत 12 सालों से ये फंडामेंटल से देखे हैं कि प्रत्येक साल एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फंडामेंटल से, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का समराइज। फंडामेंटल के बारे में अगर वर्क करना है तो फंडामेंटल पार्ट वन में पार्ट फर्स्ट, इसमें हम गिफ्ट लाए हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का स्टडी करना। कहता है कि केमिस्ट्री स्टार्टिंग होता है पीटी से और एंडिंग भी होता है पीरियोडिक टेबल में, और यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट हैं जो नॉन एलिमेंट हैं सारे को केमिस्ट्री में एक अपना घर दिया गया है, प्रॉपर घर में सजाया गया है जिस घर को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब जीरो मान के अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला जो वर्किंग करेंगे एलिमेंट के बारे में काम करेंगे। जीरो माने हैं, फर्स्ट वर्क करना है आपको, अगर केमिस्ट्री आपको सीखना है तो फर्स्ट वर्क 1 to 54 सिंबल याद करना, 1 से 54 तक संकेत याद करना, ये आपका आपको करना होगा। केमिस्ट्री सीखना है तो 1 से 54 तक टोटल 116 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है जिसमें 114 एलिमेंट के बारे में नोन है। हम पूरे पीटी को नहीं कर रहे हैं याद करने का, पीरियोडिक टेबल अलग से डिटेल से हम काम करेंगे जिसमें 1 से 2 मिनट में पूरे पीरियोडिक टेबल लिखने का तरीका बता देते हैं डायलॉग के साथ, लेकिन फर्स्ट एंड में आपको 1 से 54 तक सिंबल याद करना है, नाम, एटॉमिक नंबर और सिंबल लगातार याद करना है 1 से 54 तक, जिसमें 2 सेक्शन में काम कीजिए। पहला सेक्शन में 1 to 36 तक याद करना है, 1 से लेकर 36 काम करना है, और सेकेंड सेक्शन में 54 तक पहुंचना है। चलिए ये तो आपका काम है, इसको आपको करना है। अगर जीरो माने हैं तो एलिमेंट के बारे में क्या काम करना है, एलिमेंट के बारे में डिटेल से 2 बातों के बारे में स्टडी करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड में आपका क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन। पहला ए में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, स्टडी करेंगे। एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर काम किया जाए, पहला में ए और बी में बांट देते हैं। ए में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे एलिमेंट के बारे में, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। एलिमेंट के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहली वर्ड यही कहेंगे एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस है। सेकेंड में आपका एलिमेंट मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेम टाइप ऑफ एटम्स, एलिमेंट जो होता है एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, प्योर सब्सटेंस है और एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में बात करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मे बी एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे कि मोनो एटॉमिक एलिमेंट है तो एटम होगा और पॉली एटॉमिक एलिमेंट है तो मॉलिक्यूल होगा। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में काम करेंगे तो वहां पर इसके बारे में जिक्र करेंगे। और चौथी बातें कहेंगे एलिमेंट के बारे में कि नोट फाउंड इन फ्री स्टेट, नोट फाउंड इन फ्री स्टेट, एलिमेंट पाया जाता है लेकिन नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शनल केस के बारे में बात करें, एक्सेप्शनल केस कुछ एलिमेंट है जो कि एलिमेंट का ही बगावत कर रहा है, उस एलिमेंट को कहते हैं इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये आपका फाउंड इन नेचर, इन फ्री स्टेट, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। इनर्ट एलिमेंट मोनो एटॉमिक गैस होता है, इनर्ट एलिमेंट मोर स्टेबल होता है, और सारे एलिमेंट लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। लेकिन मोनो एटॉमिक एलिमेंट नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसके पीछे कहा जाए ये मोर स्टेबल होते हैं। मोनो एटॉमिक एलिमेंट नॉन रिएक्टिव होता है, जनरली ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता, बाकी सारे एलिमेंट रिएक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन मोनो एटॉमिक एलिमेंट जो होते हैं रिएक्शन में भाग नहीं लेते। या इनर्ट एलिमेंट के बाद में, इनर्ट एलिमेंट हमारा जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये छह एलिमेंट है जिसको इनर्ट एलिमेंट कहते हैं, इसी को नॉवेल गैस कहते हैं। ये जीरो ग्रुप होता है, ग्रुप के बारे में बात करें 18 ग्रुप का एलिमेंट है, ब्लॉक में ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये इनर्ट गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपका छह है मोनो एटॉमिक गैस है, और ये एलिमेंट का एक्सेप्शनल केस है। चलिए आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात, बी में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें केस फर्स्ट दो केस में काम करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एटम के हिसाब से एलिमेंट को दो पार्ट में बांटा गया, कुछ हमारे मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट, कुछ हमारे पॉली एटॉमिक एलिमेंट होते हैं। नाम से स्पष्ट है मोनो और पॉली, केमिस्ट्री में मोनो कहीं भी रहे, मोनो मीन्स होता है वन, इसका मतलब मोनो एटॉमिक एलिमेंट मेड अप ऑफ वन एटम, मेड अप ऑफ वन एटम, एक एटम से बना होगा, उसे मोनो एटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। पॉली एटॉमिक एलिमेंट के बारे में बात करें तो कहेंगे मेड अप ऑफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा एक ही तरह के एटम से बने होते हैं पॉली एटॉमिक एलिमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल में लेते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट के बारे में, जैसे Na सिंबल है सोडियम का, K को कहते हैं पोटासियम, Zn हमारा जिंक है, Ag सिल्वर होता है, Au गोल्ड है, Kr क्रिप्टॉन है, Hg मरकरी है, etc, ये सब के सब मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। पॉली एटॉमिक एलिमेंट के बारे में बात करें तो H2 हो गया, N2 हो गया, O2 के बारे में बात करें, O3 का नाम सुने होंगे, ओजोन, जो कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी लेयर जो है ओजोन लेयर है, इसको O3 कहते हैं, ओजोन लेयर, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, आगे चैप्टर है, ऐसे पढ़ के भी आए होंगे ओजोन के बारे में, कि ओजोन जो है हमारा गॉड गिफ्टेड प्रोटेक्टर लेयर है, पृथ्वी के चारों ओर से गॉड के द्वारा दिया गया लेयर है, जो कि सन से एक खतरनाक रे निकलती है जिसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं,
उसको रोकने का काम करता है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर को डैमेज करने का जो काम करता है वो है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कूलिंग एजेंट होता है। कूलिंग एजेंट से प्रोडक्शन होता है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, और भी ढेर सारी बातें इसके बारे में करेंगे। पी फोर आपका पॉली एटॉमिक एलिमेंट है। एस सिक्स के बारे में बात करें, एस एट के बारे में बात करें, सी सिक्सटी के बारे में बात करें, ये सब हमारा पॉली एटॉमिक एलिमेंट है। यानी मोनो एटॉमिक एलिमेंट और पॉली एटॉमिक एलिमेंट का एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हैं कौन मोनो एटॉमिक एलिमेंट है और कौन पॉली एटॉमिक एलिमेंट है। सिंगल एटम रहेगा तो मोनो एटॉमिक एलिमेंट, एक से ज्यादा एटम है तो वो पॉली एटॉमिक एलिमेंट। जैसे ओजोन में तीन ऑक्सीजन एटम है, पी फोर में चार फॉस्फोरस एटम मिलकर पी फोर का फॉर्मेशन किया। तो ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट और पॉली एटॉमिक एलिमेंट कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसको ध्यान रखना है पॉली एटॉमिक एलिमेंट का। चलिए नोट के बारे में देखते हैं। पहला नोट सी सिक्सटी के बारे में बात किया जाए, 60 एटम से मिलके 60 परमाणु का मिला हुआ एलिमेंट है जिसको सी सिक्सटी कहते हैं। इसका नाम होता है हेक्सा क्वांटा एटॉमिक एलिमेंट। हेक्सा में तो होता है 6, क्वांटा में तो होता है 10 से मल्टीप्लाई करना। जब 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 एटम का एलिमेंट है, इसलिए नाम पड़ा है हेक्सा क्वांटा एटॉमिक एलिमेंट। देने वाले साइंटिस्ट है बकमिस्टर फ्लोरेन, इसलिए उन्होंने इसको कहा बक्की बॉल भी कहा। बक्की बॉल या बकमिस्टर फ्लोरेन भी कहते हैं या फ्लोरेंस भी कहते हैं, जो कि सी सिक्सटी होता है। सी सिक्सटी में दो टाइप के रिंग होते हैं। एक रिंग 6 कार्बन का रिंग है, 6 कार्बन के रिंग को हेक्सागोनल रिंग कहा जाता है। ये हमारा हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग की संख्या टोटल 20 होता है, और 5 कार्बन के रिंग को हम कहते हैं पेंटा गोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग। ये फिगर आपका यूनिट सेल ऑफ सी सिक्सटी। एम्स और नीट में, जेई मेन में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है सी सिक्सटी के बारे में, बकमिस्टर फ्लोरेन या बक्की बॉल के बारे में। हाउ मेनी हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट इन सी सिक्सटी, तो टोटल 20 हेक्सागोनल रिंग होता है सी सिक्सटी में, और 12 पेंटागोनल रिंग होता है सी सिक्सटी में। एक यूनिट सेल में दो टाइप के रिंग हैं, हेक्सागोनल रिंग और पेंटागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग की संख्या 20 है, 6 कार्बन का रिंग है, अगर 6 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो 120 एटम आता। और पेंटागोनल रिंग में 5 कार्बन का रिंग है, अगर 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60। इसका मतलब टोटल एटम की संख्या अगर कैलकुलेट किया जाए मैथ के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो टोटल 180 आता है, लेकिन यहां तो 60 ही। तो ये ध्यान रखना है कि एक यूनिट सेल में दो टाइप के रिंग हैं, हेक्सागोनल और पेंटागोनल, लेकिन टोटल कार्बन अगर देखा जाए एक यूनिट सेल में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैथ के हिसाब से तो 11 होनी चाहिए, लेकिन 2 कार्बन कॉमन है। ठीक उसी तरह C60 में टोटल मोस्ट ऑफ द कार्बन कॉमन होने की वजह से हेक्सागोनल रिंग की संख्या 20 होता है और पेंटागोनल रिंग की संख्या 12 होता है। C60 के बारे में बात करें तो ये एलोट्रॉप है कार्बन के। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में, एलोट्रॉप कहते हैं जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, और तीसरा बक्की बॉल है।
ये तीन एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, तीनों के तीनों कार्बन से ही बने। केमिस्ट्री वाले सर तीनों में सिमिलरिटी कहते हैं कार्बन से ही है, डायमंड है, ग्रेफाइट और बकीबॉल। लेकिन हमारे समाज में ग्रेफाइट और डायमंड के बीच का जो डिफरेंस है जमीन आसमान का अंतर है। डायमंड काफी लाइक करते हैं और ग्रेफाइट काफी सस्ते होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे समाज में भी जितने भी स्टूडेंट हैं सबका लगभग केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ये मन से भ्रम हटा दीजिए कि बगल वाले पड़ोसी के पास ज्यादा दिमाग है, हमारे पास कम दिमाग है। गॉड के तरफ से जो माइंड दिया गया है उसका मात्र आप यानी 12 से लेके 16% ही यूज करते हैं। इसी समाज में कुछ स्टूडेंट डायमंड के तरह रूप में समाज में आते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, अब कुछ ग्रेफाइट बन जाता है। तो ये दो तीनों के तीनों कार्बन से ही बना है, लेकिन हमारे समाज में डिमांड सबका अलग अलग है। चलिए दूसरा नोट के बारे में बात करें, ये फर्स्ट नोट है। सेकेंड नोट में P4 के बारे में बात करते हैं। P4 है टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। टेट्रा मतलब होता है चार्ज, चार एटम का एलिमेंट है, इसलिए इसको P4 कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। P4 में फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। 15 इलेक्ट्रॉन को अगर भरना है तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपका K है, L है, M है। बाहरी कक्षा ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाता है, जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VE कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर फास्फोरस में P4 का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, चार फास्फोरस मिलके एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, जो स्ट्रक्चर डायमंड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। फास्फोरस P4 में प्रत्येक फास्फोरस 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 3 बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ऊपर का बॉन्ड है और ये नीचे का बॉन्ड है, ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया, इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यह 3 बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन भाग लिया, बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब होता है जोड़ा, इसका मतलब एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 फास्फोरस है, 4 लोन पेयर होता है। P4 में लोन पेयर की टोटल संख्या 4 होता है, P4 में एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, 4 फास्फोरस 12 बॉन्ड नहीं बनाएगा। पहले भी हम कह चुके हैं कि मैथ यहां काम नहीं करता। बॉन्ड प्रत्येक लाइन को कहते हैं और इसमें टोटल लाइन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका मतलब P4 में 6 बॉन्ड होते हैं और लोन पेयर की संख्या टोटल 4 होता है। इसी तरह तीसरा S6 के बारे में बात करें, कहेंगे हेक्सा कॉन्टा एटॉमिक एलिमेंट। हेक्सा कॉन्टा सॉरी हेक्सा एटॉमिक एलिमेंट, हेक्सा एटॉमिक एलिमेंट, हेक्सा एटॉमिक एलिमेंट। सल्फर के बारे में बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये के एल एम, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका 6 है। 6 सल्फर मिलके एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बनाता है, जो स्ट्रक्चर एक चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुर्सी के समान ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहां भी
टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिया। बचा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में, कहेंगे तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 सल्फर है, 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा S6 में, और S6 में टोटल बॉन्ड की संख्या जो होगा वो 6 बॉन्ड होते हैं। इसी तरह से S8 के बारे में बात करें, S8 जो कि ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट है, S8 ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट 8 एटम से मिलकर बना हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है एक बड़ा सा W टाइप का स्ट्रक्चर होता है। W के तरह स्ट्रक्चर, ये तो टाइप ऑफ एलिमेंट था केस फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एटम। केस सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया है, कुछ आपके मेटल हैं, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटल वाइड, मेटल नॉन मेटल और मेटल वाइड। मेटल का काम है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, मेटल हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कुछ एलिमेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो मेटल कहलाएगा। कुछ एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो नॉन मेटल कहलाएगा। कुछ एलिमेंट बोथ दोनों काम कर रहा था, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस भी इलेक्ट्रॉन कर रहा था और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर रहा, मेटल नॉन मेटल और मेटल वाइड। चलिए मेटल नॉन मेटल मेटल वाइड के बारे में डिटेल्स अगर स्टडी करना है तो पीरियोडिक टेबल को देखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PT, पीरियोडिक टेबल में 2 पार्ट में बांटा गया है पीरियोडिक टेबल को। कुछ आपके हॉरिजॉन्टल लाइन थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल लाइन होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा पीरियड है और वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में या तो ग्रुप है या तो पीरियड है। इसी के हिसाब से मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड को हम देखेंगे। मेटल के बारे में बात करें, मेटल के नाम के अंत में जनरली अम लगता है, सफिक्स नेम अम होता है। मेटल की बात करें, ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट मेटल होते हैं, जिसका डायलॉग है हे ली ना की रूबी सर्कस से फरार। हे ली ना एक जगह का नाम था, की रूबी, रूबी नाम की लड़की थी, सर्कस से फरार, सर्कस से भाग गया। बस एक डायलॉग है। केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कि काम करना थोड़ा टफ हो जाता है। टीचर के पास आप आते हैं आसान करने के लिए, वैसा तरीका बताया जाए जिससे कि आप आसानी से अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाए। इसी के लिए कुछ मदद लिया जाता है डायलॉग का, और डायलॉग से बड़ी आसानी से ग्रुप को हम याद कर सकते हैं। या तो डायलॉग याद रखना हे ली ना की रूबी सर्कस से फरा, या हे ली ना लड़की का नाम था कर रब से फरियाद। उसी की सहेली है हेलीना, जिसको करा रब से फरियाद करने का। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और वैलेंसी 1 होता है। ग्रुप याद क्यों करते हैं, इसके पीछे कॉज है कि ये सारे के सारे एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि मेटल है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस पे एक प्लस चार्ज होगा। किसी भी एलिमेंट पे कितना प्लस चार्ज होगा और कितना माइनस चार्ज होगा, इस बात को डिटरमाइन करना है ग्रुप से। और केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है
कि किसी पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का डिसीजन करना, लॉस कितना इलेक्ट्रॉन करता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए ग्रुप हम वर्क करते हैं। ग्रुप सेकेंड एक एलिमेंट मेटल होते हैं जिसका डायलॉग है बेटा मांगे कार स्कूटर बापरे बापरे, या इसी का कई डायलॉग दिया गया है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होता है, बैलेंस ही दो, आप अपने से भी डायलॉग बना सकते हैं, ठीक है। किसी तरह से इस एलिमेंट को याद रखिए, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और इस पे दो प्लस चार्ज होता है। ग्रुप थर्ड ए के बारे में बात करें, ग्रुप थर्ड ए का एलिमेंट बैगन आलू गाजर इन थैला, थैला के अंदर बैगन आलू गाजर है, टमाटर नहीं मिला देना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री और बैलेंस शीट थ्री होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं, डी ब्लॉक से याद आया कि ये दोनों एस ब्लॉक में और ये पी ब्लॉक है। पीटी में टोटल चार ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कहने का मतलब इन बिटवीन। डी ब्लॉक हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहता है और बीच वाले स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। इसलिए डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल होते हैं। डी ब्लॉक में हॉरिजॉन्टली अब वर्क करेंगे, पीरियड में मूव करना है, जिसमें 21 से लेके 30 तक एस्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ये आपका डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में 39 से लेके 48 इट्रियम जिरकोनियम नोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रूथेनियम रोडियम प्लेडियम सिल्वर कैडमियम, इंडियम यहाँ आ गया कैडमियम तक, और 57 जस्ट 72 टू 80, यानी 57 और 72 के बीच में जो गैपिंग है ये आपका एफ ब्लॉक का फॉर्मेशन करता है। केमिस्ट्री में एक बड़ा सा सुनामी आया जिसमें 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट नीचे दबा हुआ है, जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज करते हैं, और एक्टिनाइड सीरीज होता है एफ ब्लॉक में, दो सीरीज आता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे आते हैं। तो डी ब्लॉक में ये सारे के सारे हैं और इसकी बैलेंसी वेरिएबल होती है, वेरिएबल बैलेंसी। इसके बारे में चर्चा करेंगे, बैलेंसी डी ब्लॉक का कैसे निकाला जाता है, उसका क्या तरीका है, जिसको फंडामेंटल पार्ट फोर्थ में वर्क करेंगे। नॉन मेटल के बारे में बात करें, नॉन मेटल में आपका आता है ग्रुप फोर्थ ए से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप फोर्थ ए जिसका डायलॉग है काशी जीमे शंकर पार्वती, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर है और इसकी बैलेंसी फोर होती है। ग्रुप फिफ्थ ए के बारे में बात करें, ग्रुप फिफ्थ ए नाना पापा आंटी सब बीमार, पूरा खानदान बीमार है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव और बैलेंसी इसका थ्री, क्योंकि नॉन मेटल है, बारीक अक्षर में पांच इलेक्ट्रॉन हो चुका है, अब ये तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए इसकी बैलेंसी थ्री होती है। ग्रुप सिक्स ए के बारे में बात करें, ग्रुप सिक्स ए का ओस से टीपू, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स होता है और बैलेंसी आपका दो होता है। ग्रुप सेवंथ ए के बारे में बात करें, जिसका डायलॉग है फिर कल बारात आई एट, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन और बैलेंसी वन, ये आपका पी ब्लॉक में आता है। केमिस्ट्री में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को बार बार यूज किया गया है, इसलिए इसको ये सात डायलॉग को याद रखना है। इससे ये पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन कोई लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में बात करें तो मेटलॉइड जो है मेटलॉइड्स, तो ग्रुप फोर्थ ए में
कार्बन को छोड़ के दो एलिमेंट ये मेटलॉइड होता है। ग्रुप फिफ्थ में नाइट्रोजन फास्फोरस को छोड़ के दो को छोड़ के दो मेटलॉइड होता है, इसमें तीन को छोड़ के दो मेटलॉइड होता है, इसमें चार को छोड़ के एक मेटलॉइड होता है। ये हमारा मेटलॉइड है। मेटलॉइड रियल में मेटल नॉन मेटल का बाउंड्री होता है, मेटल नॉन मेटल का बाउंड्री है मेटलॉइड। इसका मतलब ये मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स टोटल यहां सेवन मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड के नीचे मेटल होते हैं और मेटलॉइड के ऊपर नॉन मेटल है। इसका मतलब कि नॉन मेटल ग्रुप है लेकिन ग्रुप नॉन मेटल होने से सारे एलिमेंट नॉन मेटल नहीं होते हैं। चौथा ग्रुप में एक नॉन मेटल है, दो मेटलॉइड है, दो मेटल है, एक ही नॉन मेटल है लेकिन इस ग्रुप को नॉन मेटल ग्रुप कहा गया। इसके पीछे कार्बन कॉज है। कार्बन रियल में केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियल में कार्बन का केमिस्ट्री है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पीटी का, इसलिए इस ग्रुप को नॉन मेटल ग्रुप कहा गया। लेकिन नॉन मेटल एक है। पांचवा में दो नॉन मेटल, दो मेटलॉइड और एक मेटल है। छठा में तीन नॉन मेटल है, सातवां में चार नॉन मेटल। तो ये मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में हम स्टडी किए। इसके बाद सेकेंड सेक्शन जो फंडामेंटल का सेकेंड पार्ट वन का सेकेंड सेक्शन जो है वो है कंपाउंड का स्टडी करना। कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं कंपाउंड के बारे में। ये तो एलिमेंट का कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में फर्दर वही काम करना है। कंपाउंड में दो बारे में, एक तो प्रॉपर्टीज, और क्लासिफिकेशन। पहला ये में प्रॉपर्टी जो आप कंपाउंड के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में फर्दर कहेंगे कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट एंड कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं जबकि मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है। ये प्योर सब्सटेंस है मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल, छोटा कण मॉलिक्यूल होता है। फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कंपाउंड हमारा फ्री स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करें, कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका बर्जेलियस साहब कहते हैं और लेबोजियस, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज लेबोजियस। लेबोजियस साहब ने कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिजिकल कंपाउंड नहीं होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में इसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेबोजियस साहब ने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, लिविंग सब्सटेंस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है और नॉन लिविंग सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे चल के दो पार्ट में बांटा गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन है।
इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में बांटेंगे, कुछ हमारा हाइड्रोकार्बन है, कुछ डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में तीन ही पार्ट आता है जनरली, अल्केन, अल्किन, अल्काइन, और भी कई हैं लेकिन मोस्ट कॉमन है ये तीन, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। हाइड्रोकार्बन नाम से ही स्पष्ट है, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना, उस कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट से बनता है उसको हम डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन में हेलोजन डेरिवेटिव होता है, कुछ ऑक्सीजन डेरिवेटिव, और कुछ नाइट्रोजन डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 11th का पार्ट है और ये 12th का पार्ट। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं, CnH2n+2। अल्किन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसको ऐसे समझिए कि CnH2n सारे केस में है, अल्किन अल्काइन, अल्केन अल्किन और अल्काइन के बीच में डिफरेंस है, दो जोड़ो, दो हटाओ और दो घटाओ की नीति है। बड़ी आसानी से अल्केन अल्किन और अल्काइन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। CnH2n में दो जोड़ देंगे अल्केन हो जाएगा, CnH2n में दो हटा देंगे तो अल्किन हो जाएगा, और CnH2n में दो घटा देंगे तो अल्काइन होता है। डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन में हेलोजन डेरिवेटिव है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव है और नाइट्रोजन डेरिवेटिव है। हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो दो पार्ट आता है हेलोजन डेरिवेटिव में, हेलोबेंजीन दो पार्ट आता है, कुछ हेलोबेंजीन है, सॉरी हेलो अल्केन, कुछ हेलोबेंजीन होते हैं। 12th का पहला चैप्टर है हेलो अल्केन और हेलोबेंजीन। हेलो अल्केन को इंडिकेट करते हैं RX से, जबकि हेलो बेंजीन आता है C6H5X। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1X, वेयर X जो है हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, और हेलोबेंजीन में आपका C6H5X आता है। ऑक्सीजन डेरिवेटिव सबसे लार्जेस्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है ऑक्सीजन डेरिवेटिव। 60% सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केवल ऑक्सीजन डेरिवेटिव से काम कर दिया जाता है। ऑक्सीजन डेरिवेटिव में दो फैमिली होता है, फैमिली फर्स्ट और फैमिली सेकेंड। फैमिली फर्स्ट ऑक्सीजन कंटेंट सिंगल बॉन्ड, फैमिली सेकेंड ऑक्सीजन कंटेंट
डबल बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में आता है तो वो फैमिली फर्स्ट आ गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आता है तो फैमिली सेकेंड। फैमिली फर्स्ट में अल्कोहल आता है, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल आर ओ एच, फिनॉल सी सिक्स एच फाइव ओ एच, और ईथर के बारे में बात करें आर ओ आर। सब जगह ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। फैमिली सेकेंड में आपका अल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड अल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको अल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश कीटोन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पटना के या फिर मोस्ट ऑफ दी जो सेंटर हैं उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिशिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ कंपाउंड के बारे में स्पेशली काम किया जाता है। सर का नाम रिएक्शन से जाना जाता है, रिएक्शन के बारे में बेहतर काम किया जाएगा, ठीक है। हर एक कंपाउंड के बारे में पार्ट बाय पार्ट वर्किंग किया जाएगा, एनसीईआरटी ए टू जेड वर्क किया जाता है। सारी पटना में कोई टीचर होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कई टीचर हैं, कई नामी ग्रामी टीचर हैं, और उसकर उससे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड बुक क्या है जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, जेई मेन आईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए स्टैंडर्ड बुक जो हमारे समाज में है भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया वो है एनसीईआरटी, सिलेबस वही है। और खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी एनसीईआरटी दी बेस्ट बुक है, हर एक स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी बुक है केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक वाले सर भी एनसीईआरटी बुक खरीदाते हैं लेकिन सही से उस पर काम नहीं कर पाते, ठीक है। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि पटना शहर में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं एनसीईआरटी ए टू जेड सवाल को सॉल्व नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे ए टू जेड वर्किंग किया जाता है, एनसीईआरटी का काम किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि कंपाउंड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद देखिएगा, रिएक्शन पढ़ाते हैं, दो महीने में रिएक्शन समाप्त हो गया, जबकि 60-70% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो है रिएक्शन। और जब आप 12th में मूव कीजिएगा तो फिर से 11th का नोमेनक्लेचर है, रिएक्शन आइसोमेरिज्म का वर्किंग होना स्टार्ट होता है। चलिए लास्ट में नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करें, ये तो ऑक्सीजन लास्ट जो मोमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन डेरिवेटिव। नाइट्रोजन डेरिवेटिव में तीन के बारे में डिटेल से स्टडी करना है, एमीन, एनिलीन और डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, एमीन फॉर्मूला होता आर एन एच टू, एनिलीन सी सिक्स एच फाइव एन एच टू, और डाइजोनियम सॉल्ट सी सिक्स एच फाइव एन टू एक्स। ये देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि आर में अगर एक्स लगा तो हेलो एल्केन कहें, आर में ओ एच लगा तो अल्कोहल कह दिए, और आर में एन एच टू लगा तो एमीन कह दिए, सी सिक्स एच फाइव में एक्स लगा तो हेलो बेंजिन कह दिए, और सी सिक्स एच फाइव में ओ एच लगा तो अल्कोहल फिनॉल कह दिए, और C6H5 में NH2 लगा तो एनिलीन कहते हैं। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन बैकबोन है। फंडामेंटल पार्ट वन का यहाँ पे वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। और विशेष जानकारी अगर फंडामेंटल पार्ट वन के बारे में स्टडी करना है, हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कीजिए। हमारे पास हमारी संस्था से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री की बुक भी मिलती है, आके बुक लीजिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट है फंडामेंटल पार्ट टू। फंडामेंटल पार्ट टू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे, फंडामेंटल
पार्ट सेकंड, फंडामेंटल पार्ट सेकंड में एलिमेंट का स्टडी किए थे पार्ट वन में, अब उसका छोटा कण एटम है, तो फंडामेंटल पार्ट टू में स्टडी ऑफ एटम्स। ये पार्ट आप नाइन्थ टेंथ में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, इसके बारे में फंडामेंटल पार्ट टू में डिटेल से वर्किंग किया जाएगा। फंडामेंटल पार्ट टू के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसके बाद हमारा लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर पार्ट थर्ड का आएगा, तीसरा वीडियो आपका तैयार हो रहा है फंडामेंटल पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में हम तीन गिफ्ट लेके आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का। पहला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कई बार सवाल पूछा गया है, सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल पूछा गया तो वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री में। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा जो आपका स्टडी करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब कि फंडामेंटल पार्ट थर्ड सबसे वाइटल आपका है, जिसमें तीन के बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। कई चैप्टर में इसका यूज है, भरपूर यूज है। और बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ही एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में, जिसके बारे में कई साइंटिस्ट का कुर्बानी है। सोनिगर वेव इक्वेशन आया था जिसमें तीन क्वांटम नंबर को बताया था, डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और लास्ट वीडियो जो फंडामेंटल का है, फंडामेंटल पार्ट फोर्थ, जिसमें हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल और फॉर्मूला राइटिंग, फॉर्मूला राइटिंग। तो ये चार सेक्शन में हमारा वीडियो काम करेगा, चार वीडियो है। अगर ये चारों वीडियो को डिटेल से आप स्टडी करते हैं तो गारंटी के साथ करते हैं, दुनिया के कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा बना नहीं है जहां कि आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री के बारे में समझ नहीं सकते। बस इस वीडियो को ध्यान से वर्किंग कीजिए, और फंडामेंटल का ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री का बुक है, उसमें एक्सरसाइज दिया गया है, कई एक्सरसाइज पे कई प्रॉब्लम दिया गया है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। और ये केमिस्ट्री का बेस है, अगर बेस स्ट्रांग होगा इमारत भी मजबूत बनेगी। अगर फंडामेंटल पार्ट वन आपको पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें हमारे वीडियो पे। अगर कुछ सुधार हो सकता है तो उसे सुधार किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका वर्क किया जाएगा। आपके कमेंट के हिसाब से ही हम अगला लेक्चर तैयार करेंगे, पूरे केमिस्ट्री में आपके घर बैठ के आपको काम करवा देंगे, केमिस्ट्री का सारा सारा वीडियो का वर्किंग काम कर। दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ठीक है, इतना शेयर करें कि ये जो सपना देखे हैं ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री का, हर एक गांव तक पहुंचना चाहिए, गरीब से गरीब तबके को केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। हमारा ख्वाब ही ये है कि अगर हम केमिस्ट्री सीखे हैं तो इतना काम किया जाए स्टूडेंट के ऊपर कि भविष्य में अगर उसका बुरा वक्त आए, आपका अगर बुरा वक्त आएगा, तो केमिस्ट्री ही सबसे बड़ा हथियार बनेगा। स्टूडेंट का बुरा वक्त तब आता है जब कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, और इतना आप पे काम करेंगे कि आप खुद केमिस्ट्री का वर्किंग करके केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर सकते। धन्यवाद।